देखिए ये मिर्जापुर का रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसे तमाम लोग मिलेंगे आपको जो कड़ाके की ठंड में भी रात बाहर ही गुजारते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सारे के सारे कारीगर हैं, सोनभद्र जिले से आए हुए हैं मिर्जापुर जनपद में। मिर्जापुर जनपद से सटा हुआ ही जिला है और सोनभद्र वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन मिर्जापुर में ये लोग मेहनत मजदूरी करके मकान बनाने का काम करते हैं और ठंड के वक्त भी रात यहीं गुजारते हैं। हम सीधे इन लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्यों पास में बना ये आश्रय गृह में क्यों नहीं रुक पाते। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम दीपक है सर। बताओ दीपक, रात में कहाँ रुकते हो तुम? रात में ही रुकते हैं सर। यहाँ क्यों रुकते हो? सामने वो बना है टेंट, सरकारी टेंट, उसमें कोई हमें जाने नहीं देते सर। कहाँ से आधार कार्ड भी हमारे पास नहीं है, और लोग के पास है, ऐसे भी हम लोग की जाने नहीं देते हैं अंदर। कहाँ सोएंगे? यहीं पर सोएंगे, बाल बच्चे लेकर, बीवी बाल बच्चे वाले सब आदमी। कोई भीख भी कभी डफली बजा के भीख भी मांग लेते हैं सर। क्या करते हैं आप? हम लोग ईटा दरा वाला मसाला करते हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग सोनभद्र के हैं रहने वाले। यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग कब से रह रहे हैं? एक महीना हो गया सर। पता जी, आप बताइए कि आपको जो है अंदर क्यों नहीं सोती, जो सरकारी ये बना है रहने के लिए? बेटा आधार कार्ड बनवा लिए, बनाई करल, आधार कार्ड खोज रहा है, कहाँ हम लोग पाए। क्या वो आधार कार्ड मांगते हैं क्या? हाँ, कि आधार कार्ड होएगा तो सुतो, हम लोग बनवाए नहीं आया उन्हीं से। हाँ, तब बोलता है कि आधार कार्ड पर सूतना, तो हम लोग की कोई पास नहीं, वही से थी हम लोग बाहर सूत रहे हैं बेटा। का बाहर तो कोई सो ही नहीं सकता इस ठंड में, कैसे आप का करी बेटा? मजबूरी है सन चीज, गरीब कोई की भगवान बनावा ना बेटा, का करी ना हम लोग का वास घर आल ना किच ना है। यह भटगत अड़ी लॉकडाउन में ही छकाई लही, तो हम लोग की अधिकारी बस से, सरकारी बस से रेनी कुट पठे, फिर भूखे मर कर 6-7 महीना फिर आए, 1 महीना हो गया बेटा। कौन है आपके साथ में? यहाँ बेटा कैसे रात में कहाँ यहीं सो रही हो तुम भी? कितना दिन हो गया यहाँ? यहाँ बाहर सोने में रात में ओस वगैरह का दिक्कत होता होगा? ओस गिरता है बेटा, कंपते हैं हम लोग, का बताएं। बच्चों के लग जाता है कभी दवाई, उतना कमी नहीं है, उतना तो बच्चे बीमार अभी दवाई करवाएगा। ये जो सामने बना है, इसमें किसी अधिकारी से आपने कहा, कर्मचारी से, कि हमको रहना है इसमें? नहीं, अरे बेटा तो ढेर। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। राहुल, कहाँ रात में सो रहे हो इस समय? रात में पड़े हुए हैं खुले में। हाँ, खुले में, हम लोग जाने ही नहीं देते उधर। नहीं, तुम गए थे कभी वहाँ? नहीं गए थे, नहीं है, बाकी नहीं जाने दे रहे हैं उधर। तो कैसे मालूम कि नहीं जाने दे रहे हैं? सब बड़ा बड़ा वो लोग कह ही नहीं रहे जाके वो आराम करो। हाँ, वो इतना देख रहे तब वो नहीं करेंगे जाके उसमें सोते, उसमें देने देते हम लोग रहने रहते, बाकी नहीं दे रहे। हम लोग खुद की गरीब है तो इसलिए रोड पे पड़े हैं इधर, घर नहीं रहने देते हैं, कहते हटाते हैं कि वहाँ सो, हटाते हैं। अब सर यहीं पे पड़े हैं, लड़के बाल बच्चे लेके जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर मेहनत मजदूरी करके अपना जी रहे हैं तो कहाँ जबरदस्ती। आप अंदर जाने का कभी प्रयास किए हैं? उसके प्रयास नहीं किए सर, बाकी वहाँ पर जाकर प्रयास किए हैं, किस लिए कि सो ले, शायद यहाँ सोएंगे तो अंदर भी सोवा लेंगे शायद, बाकी वहाँ हमको सोने नहीं दिया, वहाँ से भग गए तो अंदर कहाँ हमको जाने देंगे, वहाँ से भगा दिए गए तो अंदर थोड़ी जाने देंगे हम लोग। जब पीछे से हट गए तो अंदर कहाँ हम लोग की जाने देंगे, नहीं जाने देंगे सर। बताइए आप, वहाँ से जब हट गए तो अंदर कहाँ जाने देंगे हम लोग को, नहीं जाने देंगे। ठीक, धन्यवाद। नहीं, एक बात और बताओ, समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ढेर सारा यहाँ रहने का प्रबंध है, आप रात में खुले में कैसे सोते हैं भाई? आप क्यों नहीं किसी छत तक इंतजार या तलाश क्यों नहीं कर पाते? अरे साहब, विकास सुनाया हम लोग के गांव में विकास भी नहीं आया सर, अब बताइए। नहीं नहीं, यहाँ की बात बताओ हमको कि यहाँ जो खुले में सोते रहेंगे सर, यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है खुले में, कहाँ प्लास्टिक भी डालने के सोचते हैं बच्चे के लिए, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, प्लास्टिक भी नहीं डाल पाते, डालने नहीं देते, भगा दिए जाओगे तुम प्लास्टिक डालोगे तो। सरकार
देखिए मिर्जापुर प्लेटफॉर्म के बाहर ये रैन बसेरा बनाया गया है और नगर पालिका इसका संचालन कर रही है और जिलाधिकारी मिर्जापुर का ये प्रयास है कि कोई भी बंदा ठंड में बाहर न सो पाए, लेकिन आज यहाँ बिल्कुल ये खाली है। भाई साहब आप क्या इसमें क्या करते हैं? इसमें सर हम ड्यूटी करते हैं। हाँ हाँ, दिन में तो सर किसी किसी को आ जाते हैं, नहीं तो रात में जितने लोग रहते हैं रात में ही अधिक संख्या में रहते हैं लोग। लगभग हम देखते हैं कि पूरा बेड भर जाता है जितना रहता है, सभी लोग रहते हैं। और दिन में तो सर किसी कोई भी टहलता रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठंड भी नहीं लगती दिन में धूप के कारण, और रात्रि में जो होता है तो ठंड लगती है इसलिए रात में सब लोग आ जाते हैं। जो बाहरी लोग हैं तो कहीं भी बैठ नहीं पाते, उस पड़ती रहती है इसलिए सर रात को व्यवस्था यहाँ क्लियर रहती है। कितने दिन से ये व्यवस्था? ये सर करीब 10 दिन हो गया। अच्छा, रोज रात में वही आदमी आते हैं कि नहीं, बदल बदल के आदमी दूसरे दूसरे लोग आते हैं, रोज वही आदमी नहीं आते हैं। जैसे अब किसी को ट्रेन पकड़ना हुआ, ट्रेन वेटिंग में चली गई, लेट हो गई ट्रेन, तो आकर के यहाँ रह देते हैं। कभी कभी ट्रेन तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे हो जाती है वेटिंग में, तो आदमी यहाँ रहते हैं, एक एक दिन रह जाते हैं, 2-2 दिन रह जाते हैं कभी, और बाकी तो दिन हर दिन आदमी चेंज रहते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा सर संतोष नाम है, संतोष कुमार। संतोष जी, यहाँ कोई भी आदमी रह सकता है कि यहाँ रहने के लिए कुछ कार्ड वगैरह की? नहीं सर, यहाँ पे आने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, आईडी आपके पास, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, लाइसेंस हो, जिससे कि हम आपको पहचान सके कि यहाँ पे यहाँ के हैं। अब मान लीजिए कोई 4 व्यक्ति हैं, किसी का सामान चोरी हो गया तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन व्यक्ति हमारे पास आया और उसका सामान लेकर ऐसे रहेगा, तो हम क्लियर कर लेंगे कि इतने इतने आदमी आए, इतने के बीच में सामान चोरी हुआ। उससे अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है यहाँ पे आने के बाद, तो उससे भी हमारी पहचान हो जाएगी, आदमी फला जगह का है, उसको भाई यहाँ पे सूचित किया जाए ये आदमी। संतोष जी, यदि किसी के पास आईडी नहीं है और ठंड का मामला है, रात का समय है, ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे उसके लिए? उसके लिए सर ये होता है कि अब आदमी जैसे उसके पास कुछ भी आधार नहीं है, तो देखते हैं आदमी की सोसाइटी कैसी है, वो तो देखने से मालूम हो जाता है। वैसे भी हम लोग ये नहीं रहता कि प्रयास कि आदमी ना रहे, आए सूते सुरक्षित रहें। अगर उसकी सोसाइटी नहीं है, अशिक्षित है, देखने में काला है, गंदा है, तब क्या करेंगे? नहीं, गंदगी तो सर रहती है तो दिक्कत रहता है ना। जैसे यहाँ आके शराब वराब पिए हैं तो उसके लिए हम लोगों को दिक्कत होता है कि शराब आकर वो पियेंगे, हल्ला मचाएंगे, यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, तो उससे आम आदमी जो रहते हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे ना। तो ऐसे आदमी जो शराब वराब पीते रहते हैं उन लोग नहीं, बाकी कोई गंदा रहे, नहाए ना रहे, इससे हम लोग नहीं कोई दिक्कत है, आदमी आए रहे अपना। अच्छा, कुछ लोग पीछे आपके टेंट के ठीक पीछे बैठे ना, सोए यहीं पे रहें, दिन भर खाना पीना बना करके उसके बाद खाने पीने के बाद आए यहीं पे रहें, रात में सोए, लेकिन वो लोग कभी आए ही नहीं। जो लोग बाहर बैठे हैं टेंट के पास, वो आपके पास कभी नहीं, नहीं हमारे पास कभी नहीं आए, इसलिए हम लोग क्या कहें उन लोगों को। अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनका भी प्रवेश नहीं है? हाँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आए रहें अपना। ठीक है, धन्यवाद।